Hi guys, welcome back to my channel. I am Meechu and today's video is going to be a vlog. और मैं अपने घुटने पे बैठी हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही हूँ. So today we are in my room because I'm going to do a vlog in which I'm going to organize my makeup. Okay, so first of all, let me tell you guys, I'm someone जिसको makeup organize करना बहुत पसंद है. Because मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मुझे कोई specific foundation या mascara चाहिए तो मुझे वो तुरंत मिलना चाहिए. अगर मुझे बहुत time लगे तो मुझे बहुत चिड़चिड़ मचती है. Because I value my makeup products a lot, so I really want my products to be in a good way and to be organized really really well. लेकिन अभी recently 2-3 महीने से मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख रही, बहुत ही ज़्यादा क्लम्जी हो रही हूँ, बहुत मेस्ड अप किया हुआ है. जैसे इधर फाउंडेशन है तो इधर मैंने मस्कारा रखा है तो वो बहुत सब जम्बल्ड अप हो गया है. इसके लिए आज मैंने टाइम निकाला है और आज मैं अपना मेकअप ठीक करने वाली हूँ. दिवाली भी आ रही है तो सफाई भी हो जाएगी और मुझे अच्छे से मेरे प्रोडक्ट्स मिलने भी लग जाएंगे. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू ऑल माई रूम. सो दिस इज माई बेड एंड दिस इज माई ड्रेसिंग टेबल. And this one is a standing mirror from IKEA. And here we have 2 chests of drawers. So yeah, there are 2 chests of drawers. This one is from IKEA and ये बनवाया गया था. ये मुझे इतना पसंद नहीं है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है. For example, this is so, oh god, बहुत क्लम्सी है. So this is how it looks. And look at this one. How smooth is this one? बड़ा मजा आता है मुझे ये करने में. बट लिसन टू मी, इफ यू आर समवन हु हैज अ लॉट ऑफ मेकअप स्टफ, गेट दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर बिकॉज ये बहुत ईजी है, बहुत ही स्मूथली ओपन हो जाता है, बहुत ईजीली आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा क्योंकि सब ऊपर से दिखता है. सो आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एनी वन हु हैज अ लॉट ऑफ मेकअप स्टफ और इवन फॉर योर ऑफिस स्टफ और एनीथिंग लाइक दैट. सो गेट दिस वन. दिस वन इज फ्रॉम IKEA एंड या दिस इज मीचू. से हाई टू मीचू. हाय. सो मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स ये तीनों जगह रखती हूँ, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में, ये ड्रेसिंग टेबल में. सो फर्स्ट आई एम प्लानिंग टू डू दिस वन, उसके बाद मैं ये दोनों करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सॉर्टेड है और इन दोनों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है. सो फर्स्ट आई एम प्लानिंग टू डू दिस वन एंड लेट मी शो यू गाइस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. टोटल 4, क्या बोलते हैं इसको, लेवल्स है शायद. सो टोटल 4 लेवल्स है. यहाँ पे फाउंडेशन रखती हूँ, यहाँ पे परफ्यूम्स रखती हूँ, यहाँ पे कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स रखती हूँ, यहाँ पे मॉइस्चराइजर रखती हूँ बॉडी के, और नीचे बहुत टाइम पास वाली चीज़ है. सो बेसिकली मुझे पता है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है, सो मैं वही फॉलो करने वाली हूँ, वैसे ही अरेंज करने वाली हूँ क्योंकि अगर मैंने कुछ भी चेंज किया तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है बाद में. 1 सेकेंड. ऑल्सो मैं थोड़ा बहुत रिव्यू देती जाऊँगी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स के या जो प्रोडक्ट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि योर गर्ल लाइक्स टू टॉक मेकअप. तो अब मैंने ये पूरा खाली कर दिया है और बेड पे रख दिया है और अब मैं वापस अरेंज करूंगी. लेकिन पहले मुझे बहुत पहुंचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट हो रहा है. मुझे पता नहीं कपड़ा कहाँ है क्योंकि मम्मी सोई है तो मम्मी को उठा के आई. क्लोथ तो मिला नहीं तो मैं एक पजामा ले आई, उसको ही काट देती हूँ. वो छड़ी है भाई. सो एज यू गाइस कैन सी, मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं. ये रहे सारे फाउंडेशन, ये परफ्यूम्स, बॉडी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अभी पहले मैं इनको पोंछ देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो पहले मैं उसे पोंछ देती हूँ. आई थिंक मुझे इस वीडियो के लिए किसी को बोलना चाहिए था मेरी मदद करने क्योंकि बहुत वियर्ड है. मैं खुद ही साफ कर रही, खुद ही कैमरा लेके खड़ी हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑल द फाउंडेशन और मैं यहाँ अरेंज करने वाली हूँ. द रीज़न टू कीप माई फाउंडेशन ओवर हियर इज़ क्योंकि फाउंडेशन को ड्रॉर्स में ही रख सकते हैं, यहाँ पर रहते तो बहुत ईजिली उठा सकते हैं और बहुत रिस्की भी नहीं रहते, सेफ रहते हैं. जब फाउंडेशन में ऐसे हो जाता है ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है. लेकिन गलती मेरी है क्योंकि मैं साफ नहीं करती अच्छे से, इसको भी क्लीन कर लेती हूँ. Look at this foundation. This one is so pretty. It's okay. So मैं आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने आई हूँ. दिस इज़ अ फाउंडेशन, कुशन फाउंडेशन. ये मेरे पास आया था 3 साल पहले और ब्रांड ने मुझे भेजा था. कुछ प्रमोशन नहीं था, कुछ नहीं था, बस एज अ गिफ्ट भेजा था.
और तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ये कुशल फाउंडेशन है फ्रॉम गुरलेन, मुझे ये ब्रांड तब नहीं पता था, अभी भी इतना नहीं पता लग्जरी ब्रांड है कोई, और शायद आई थिंक फ्रेंच वर्ड है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ गुरलेन वर्ड का। तो ये आया था और मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया एक साल तक या एक डेढ़ साल तक, मुझे लगा पता नहीं होगा फाउंडेशन और ऐसे ही पड़ा रहता था। फिर तानिया ने एक बार देखा प्रोडक्ट ये और फिर उसने लगाया और बाद में बोली सौम्या ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है मुझे दे दे तू, और जैसे कोई मुझे पता ना मुझे दे दे, तो मैं ऐसी सेल्फ एनालिसिस में चली जाती हूँ ये प्रोडक्ट, मैं बोलती नहीं एक सेकेंड बता, तो फिर मैंने यूज़ करके देखा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डूड, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ग्लोई लुक है, बहुत अच्छा फिनिश है, और आई वॉज लाइक शिट मैंने क्या किया, एक डेढ़ साल तक ये ऐसे ही पड़ा था बेचारा और मैंने इसको टच भी नहीं किया, और फिर बाद में मैंने गूगल किया कि कौन सा प्रोडक्ट है वगैरह, तो देखा तो 5600 का ये फाउंडेशन है। उसके बाद मैंने इसको इतना यूज़ किया कि पूरा ख़त्म हो गया, और इसका जो कुशन है वो भी एकदम ये हाल है कुशन के। अभी तो मैंने बस इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे ब्रांड से है, सो अब मैंने इसको ऐसे शो के लिए रखा है, यू नो। I'm so tired already, but you gotta do what you gotta do. This is done और मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि मैंने इतना ही करने में इतना टाइम लगाया, मैं टाइम पास करने लग गई but ये हो गया, so I'm going to show you all how I did it. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम यर, यहाँ पे मैंने परफ्यूम्स रखे हैं और क्योंकि परफ्यूम सिर्फ ज़्यादा नहीं है तो मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे और जो भी मेकअप स्प्रे है वो रखे हैं यहाँ पे। ओके, देन कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन है, जो मैं यूज़ नहीं करती वो मैंने पीछे रखे हैं और जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ वो आगे रखे हैं। और ओके, फिर यहाँ पे मैंने सब अपनी रखी है बॉडी प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्क्रब हो गया, लोशन हो गया, हैंड क्रीम हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें रखी है जो फ्रजाइल है थोड़ी, जैसे ऑयल, सीरम, सो वो सब बॉटल्स मैंने यहाँ पे रखी है। यहाँ लास्ट में मैंने सब मेकअप रिमूवर रखे हैं, ये सब गार्नियर के हैं और भी मेकअप रिमूवर, लेकिन मैंने दूसरे चेस्ट ऑफ ड्रॉर में रखे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो ये सेक्शन तो हो चुका है और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरीज रखती हूँ, ऑल्सो ये एक पाउच है जिससे सिर्फ रबर बैंड्स रखती हूँ और जो भी पेंस वगैरह होती है वो सब रखती हूँ। सो ये वाला सेक्शन तो सॉर्टेड हो गया है, और अगर आप जानना चाहते हो कि इस ड्रॉर में क्या है तो बहुत ही लेम चीज़ है, तो इस ड्रॉर में वो सब चीज़ें रखती हूँ जो मुझे फेंकने का मन नहीं करता, जैसे मेकअप के बॉक्स हो गए, फाउंडेशन के बॉक्सेस हो गए, तो मैं वो सब यहाँ रखती हूँ क्योंकि मुझे फेंकने का मन नहीं करता, पता नहीं आप सब भी ऐसे करते हैं नहीं, पर मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, तो यहाँ पर मैंने वो सब रखा है, और ये ड्रॉर में सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस है। सो कमिंग टू दिस ड्रॉर, पहले तो मैं अपने सारे ड्रॉर्स ठीक करूँगी, उसके बाद ये सब बैग्स जो भी पड़े वो मैं बाद में सॉर्ट करती हूँ। ये एक्चुअली मेरा मेकअप बैग है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं इस पर प्रोडक्ट्स ले जाती हूँ, सो ये सब मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं फर्स्ट ड्रॉर कर लेती हूँ, और इस पर सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक्स है तो ये सॉर्ट करते हैं। सॉरी गाइस, एक प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट ड्रॉर खुल ही नहीं रही है, मतलब खुल रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं खुल रही है, तो मैं सब प्रोडक्ट्स ही निकाल पा रही, एक सेकंड बताती हूँ। ये देखो, ये ड्रॉर बस इतनी खुल रही है, इससे अंदर हाथ ही नहीं जाएगा, पता नहीं क्या हुआ, आज ही हो रहा है ऐसा, तो आई थिंक ये मैं बाद में करूँगी या मुझे कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा फिर करूँगी। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ नेल पेंट से, तो मैं ये सॉर्ट करती हूँ और फिर आप लोगों को बताऊँगी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू माय नेल पेंट्स। नाउ आई नो बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे पूछते हैं कि वेर आर योर नेल पेंट्स फ्रॉम, सो मैं आंसर इसके लिए दे पाती क्योंकि मेरे ज़्यादातर नेल पेंट्स ब्रांडेड नहीं रहते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर हिल रोड से लेती हूँ या कोलाबा मार्केट से लेती हूँ, मैं ज़रा भी ब्रांड फ्रीक नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू नेल पेंट्स, मैं कहीं से भी रैंडमली ले लेती हूँ, बस मुझे कलर पसंद आना चाहिए, तो इसके कारण मैं बहुत बार आपको उत्तर नहीं दे पाती। But today I would like to share with you all my top 5 favorite nail pens. So the very first one is this one. This is from K Beauty and this is in the shade Rocky Road. This is a really beautiful nude color, so I totally love it. Now next
नेक्स्ट इज दिस वन. दिस इज फ्रॉम फेसेस और ये टॉप कोट जैसे यूज करती हूँ मैं. बहुत अच्छा शाइन देता है और बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है. इसके लिए मुझे बहुत पसंद है ये वाला. ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है, बस टॉप कोट के लिए अच्छा है. और एक और कौन सा था, हाँ दिस वन. आई गॉट दिस वन फ्रॉम बांद्रा हिल रोड. मुझे इस ब्रांड का नाम नहीं पता. इस पर लिखा है MOD मोड और शेड भी कुछ लिखा नहीं है, बट आई रियली लव दिस वन. ये शायद से 60-70 रुपीज़ का था और मुझे येल्लो नेल पेंट्स बहुत पसंद है. येल्लो नहीं बट ऐसे टाइप के येल्लो मुझे बहुत पसंद है, सो आई लाइक दिस वन. एक और था मेरे पास, हाँ आई लव दीज टू कलर्स अगेन. ये मैंने हिल रोड से लिए थे तो मुझे इसके ब्रांड नहीं पता. इसमें लिखा है ग्लैम, इसमें लिखा है ओशिया. सो ये सब के नाम नहीं मुझे पता है, वही मुश्किल है. इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्लियर कर दिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है. ओके, तो अभी मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ. ओके गाइस, तो मैं इस कंक्लूजन में आई हूँ कि नेल पेंट्स मैं इससे अच्छे रख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे अरेंज कर रही थी कि मैं पहले न्यूड रखूँगी, फिर बाद में सारे पेस्टल कलर्स रखूँगी, फिर ब्लैक ग्रे, ऐसा सोचा था. लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं बच रही थी और बहुत ही मुश्किल पड़ता मुझे फिर ढूंढने के लिए. सो मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट आउट कर लिया और जो मैं नेल पेंट्स नहीं यूज़ करती वो निकाल लिए हैं. और वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि ज़्यादातर सारे कलर्स अभी भी अच्छे हैं ही, सारे नेल पेंट्स अच्छे हैं ही, तो मैंने सिर्फ निकाल दिए जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करूँगी. नाउ नेक्स्ट ड्रॉअर इज दिस वन. इन दिस वी हैव काजल, मस्कारास, आईलैश कलर, आई शेडो स्ट्रिक्स. तो अभी ये सॉर्ट करते हैं एंड या ओके. सो नाउ आई एम डन विथ टू ड्रॉर्स. और आज मुझे सफाई करते वक्त मालूम पड़ रहा है कि मुझे एक प्रॉपर वैनिटी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है. अब तक अच्छा था, शायद बारिश के कारण हो रहा है, पता नहीं. सारे ड्रॉर्स हाफ ही खुल रही है, बस इतने ही खुल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा खुल रहा है इस तरीके से, लेकिन ये पता नहीं हाफ ही खुल रहा है. तो उसके कारण मुझे बहुत ऐसे अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स रखने पड़ रहे हैं. तो पता नहीं मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी या नहीं. जैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है, मैंने किया है, तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दैट. सो ये लिपस्टिक्स का है जो मैंने किया नहीं, और नेल पेंट्स का मैंने आपको बताया. और इसके बाद है आई मेकअप, जिसमें मैं सारे आई शेडो स्टिक रखती हूँ, काजल्स, मस्कारास. सो मैंने यहाँ पे सारे मस्कारास रख दिए और जो भी काजल आई शेडो स्टिक है, और इसके अंदर सारे ये सब क्या बोलते हैं, मेटलिक जो भी है वो सब रखे हैं, लाइनर्स वगैरह. नाउ इस ड्रॉअर में सारे कंसीलर है, हाइलाइटर है और सेटिंग पाउडर है, ब्लश है, बेसिकली जो भी ब्लश कंसीलर वो सब होते हैं वो सब है. और मुझे प्रोडक्ट्स बहुत सारे अंदर भी लगाने पड़े, वो दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन मुझे पता है कौन से प्रोडक्ट्स अंदर है. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू दिस वन. और इसमें मैं सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स रखती हूँ, ब्रशेस रखती हूँ, हैकोम रखती हूँ और कॉटन बैग्स रखती हूँ. तो पहले अब मैं ये ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस. मम्मी मदद कराने आई है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ. अभी हमने चाय पी, ब्रेक हो गया और वापस लग गए. ये सब मम्मी ने सॉर्ट किया. मम्मी मुझे एक नया घर चाहिए. मैंने क्या बनाती दिला, बहुत छोटा पड़ रहा है घर. चले अभी ये बंद कर. घर लेते हैं, बाद में ये सब. अच्छा मम्मी, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा आई शेडो पैलेट कितने का. अरे यार मुझे नहीं मालूम ये सब. पता होगा. अच्छा बताओ ये आई शेडो पैलेट का प्राइस क्या होगा. ये होगा 2000. जरा सा भी पास में भी नहीं है. आपको नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा आपके साथ खेलने में. मम्मी गाना गाएगी. इधर आओ, इधर आओ. कौन सा गाओ बताओ. ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे. अभी आप बनाओ कुछ खाने. और मुझे सफाई में ये मिले 200 रुपीज. मेरा मेन ताना मेरा है. अरे हाँ, अभी मैं ये ड्रॉर कर रही हूँ, इसमें सारे मॉइस्चराइजर्स रखती हूँ. और ये मैंने खाली करी वो दिखाओ. मम्मी ने ये खाली किया, अभी इसमें आई शेडो पैलेट रखूंगी. मम्मी चुप रहोगी अभी आवाज़ नहीं करना.
ओके तो इसके बाद है ये ड्रॉर, इससे सारे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हैं, ब्रशेस रखे हैं, ये वो ड्रॉर है। और इसके बाद इसमें सारे मैंने टोनर रखे हैं, एलोवेरा रखा है और कोई भी फेस मिस्ट है तो वो सब रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ये बहुत लिमिटेड है। यू गाइस नो हाउ मच आई लव मॉइस्चराइजर्स, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर्स है। लुक एट दिस, सो ये मेरा फेवरेट ड्रॉर है बिकॉज योर गर्ल लाइक्स टू ग्लो एंड ये सब मॉइस्चराइजर्स मेरे बहुत फेवरेट है। नाउ इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर में यही सब है क्योंकि ये इसके नीचे जो भी दो है इसमें सिर्फ मेकअप पाउचेस है और मेरे कैमरा का सामान है तो वो सब ही है। अभी मैं जा रही हूँ इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में। ये वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉर मम्मी ने ऑलरेडी खाली किया हुआ है और साफ भी कर दिया है, सारे प्रोडक्ट्स ये रहे। सो इफ यू गाइस नो मी यू नो हाउ मच आई लव आई शैडो पैलेट्स और मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है न्यू पैलेट एक्सप्लोर करने में। सो ये है मेकअप रिवॉल्यूशन का, ये बहुत सुंदर है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि इसका पिगमेंटेशन बहुत ही ओकेश है। लेट मी शो यू। और ये जब पार्सल आ रहा था तो ये कूरियर में टूट गया था, तो ये बहुत सुंदर है। नाउ दिस वन इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट आई शेडो पैलेट, दिस इज़ फ्रॉम कलर पॉप। मैं बहुत प्रे करती हूँ कि कलर पॉप इंडिया में आ जाए। लुक एट दिस, कितने ब्यूटिफुल शेड है और पिगमेंटेशन तो वाव है वाव। Let me show you. मम्मी अब क्या कर रही हो? This palette is from Sivana और ये मेरा सबसे पहला आई शेडो पैलेट है जो मैंने खुद से लिया था। इसका मैंने अब तक फेंका नहीं क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, पता नहीं मिलता है नहीं। मैंने तो मॉल से लिया था, कोई तो ब्यूटी सेंटर ऐसा कुछ से, पर ये बहुत अच्छा पैलेट है। इसमें सारे कलर्स बहुत अच्छे। Look at this, how pretty are these palettes? They all are from ColourPop Cosmetics. ये दिस वन इज काइली कॉस्मेटिक्स आई शेडो पैलेट और ये तो मैंने बैंड्रा हिल रोड से लिया था कुछ 300 का। आई नो ये ओरिजिनल नहीं है बट तब मैं कॉलेज में थी तो मैंने ले लिया था इसे काइली देख के। और वहाँ पे पता है सब लोग काइली को क्या बुला रहे थे? काली 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 जेनर का ले लो, काली जेनर का। एक्चुअली मुझे आई शेडो पैलेट्स बहुत पसंद है, मैं बहुत कलेक्ट करती हूँ। तो अगर आपको कोई आई शेडो पैलेट पता है जो मैंने ट्राई नहीं किया है या इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू ट्राई सम न्यू आई शेडो पैलेट डू लेट मी नो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे आई शेडो पैलेट एक्सप्लोर कर रही हूँ। हुडा ब्यूटी का देख लिया, रिवॉल्यूशन का देख लिया, नायका का देख लिया, ऑलमोस्ट सारे देख लिया मुझे लगता है अब, मतलब जितने इंडिया में है। एंड बाय द वे टाइम हो गया है 5:15 और मैंने स्टार्ट किया था 1 बजे। अभी मेरे मन में एक ही चीज़ का एक्साइटमेंट है, पनीर पकौड़ा और चीज़ पकौड़ा, पनीर पकौड़ा चीज़ पकौड़ा। ओके सो दिस ड्रॉर इज़ डन एंड वी हैव आई शेडो पैलेट्स यार। मैंने सारे आई शेडो पैलेट्स आपको बता ही दिए जो भी मेरे पास है। सो आई कीप माई आई शेडो पैलेट्स ओवर यार। और मैंने यहाँ पे ना कहाँ गया, हाँ ये सेलो टेप भी रखा है क्योंकि मैं आई शेडो पैलेट्स भी यूज़ करती हूँ। तो ये ड्रॉर में ये है। ओके सो इन दिस ड्रॉर वी हैव ऑल द मास्क, शीट मास्क एंड मोर मास्क, मोर मास्क, मोर मास्क एंड देन वी हैव स्क्रब, फेस वॉश एंड मास्क, क्ले मास्क, ग्लैम ग्लो, फेस टूल्स, फोलियो एंड सो मेनी मोर थिंग्स। सो बेसिकली ऑल द मास्क इज हियर बिकॉज यू गाइज नो आई लव मास्किंग। सो या दैट्स इट, सो या दैट्स इट फॉर ऑल द ड्रॉर्स। और ये लास्ट ड्रॉर में इतना कुछ फैंसी नहीं है, इसमें मैं डायरी रखती हूँ और ये ब्लैक हेड्स का है और रेजर रखती हूँ। सो बस इसमें इतना कुछ है नहीं। So I think we are done. Oh no, wait, ye reh gaya. So I quickly clean it and then I will show you all the final look. Okay guys, so this is also done. Let me show you all. So इस ट्रे में ना मैं वो लिपस्टिक्स रखती हूँ जो मेरी गो टू लिपस्टिक्स है जब मुझे टाइम नहीं हो इन सब में से ढूंढने का। बेसिकली मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स मैं यहाँ रखती हूँ। इसमें मैं अपने सारे रिंग्स रखती हूँ। फिलहाल रिंग्स मेरे दूसरे पाउच पे, मैं बाद में खाली करके इस पर डालूंगी। और फिर यहाँ पे मेरे दो फेवरेट मिस्ट है, जब मुझे डल फील होता है, जब मेरे को रिफ्रेश होना होता है तब मैं ये दो मिस्ट यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैं इसको ऊपर रखती हूँ। और फिर मैं रात को ये यूज़ करती हूँ कभी कभार एस्टेल ऑर्डर का, ज़्यादा कर एलोवेरा यूज़ करती हूँ या फिर कभी कभार एस्टेल ऑर्डर। बट रिसेंटली मैंने ये स्टार्ट किया यूज़ करना, दिस इज़ कामा आयुर्वेदा नाइट सिरम। और मुझे 1 वीक हो गया या उससे ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करके और अब तक रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा और यूज़ कर रही हूँ और मोस्टली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो इस पर ही बनने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड।
अब यहाँ पे मैंने बहुत ही कम चीज़ रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है। एक तो मेरा मेकअप पाउच है और यहाँ पे लिप बाम्स है, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा है क्योंकि वरना बहुत मेस्ड अप हो जाता है। So yeah, I think that's it and we are done. Okay, so we are finally done. और मैंने start किया था 1 बजे और अभी बज रहे हैं 6। मुझे इतना time लग गया, मैंने सोचा था आज मैं एक YouTube video भी ले लूँगी, reel भी ले लूँगी, हाँ ऐसा कुछ नहीं हो पाया, बट नो वरीज, चलता है कभी कभार प्लान के अनुसार नहीं जाता तो। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड एंजॉय इट यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और क्या कर सकते हो, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं कनेक्टेड रहने के लिए। सो ये सब कर लो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, बाय। By the way, मैंने रिसेंटली बहुत सारी शॉपिंग की है ज़ारा और H&M से, सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी ए हॉल वीडियो डू लेट मी नो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मुझे इतने पसंद नहीं आए। ऑल्सो दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम H&M, मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग को पसंद आएगा बिकॉज इट्स सो कम्फी और बहुत ही ज़्यादा एमिली इन पेरिस वाला वाइब है। सो मैं काम तो कर नहीं रही हूँ, बातें कर रही हूँ बस, ओके।